दोस्तों आप केएफसी में जॉब करना चाहते हैं, केएफसी में सऊदी अरब भाई में जॉब करना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे ड्यूटी रहती है, कितना काम होता है, ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, शायद आपके काम आए। टीम मेंबर है उसकी सैलरी है। तो दोस्तों ये है केएफसी, ये देख लो केएफसी की ड्रेस। तो जो भी आए सोच समझ कर आए, देख भाल के आए, तो उसकी मजबूरी होती है क्योंकि वो वहाँ पे 1,00,000 से 1,50,000। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किसे आप, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो अभी मैं हूँ अपने स्टोर में और अभी मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है। मैं मॉर्निंग में 6 o'clock आया था, यानी 6 बजे मैं आया था और 3 बज चुके हैं, तो शिफ्ट हो गई ओवर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं से जाऊंगा सीधा केएफसी स्टोर। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी केएफसी के बारे में, जो कि 1 साल पहले की थी, जो कि उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं, 33,000 के समथिंग व्यूज़ आए हैं। तो इसी को देखते हुए केएफसी स्टोर है, मैं वहाँ जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि केएफसी में अभी कितनी सैलरी मिलती है टीम मेम्बर को और कौन क्या क्या काम होता है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। सो चलते हैं स्टोर से बाहर और चलते हैं केएफसी। तो चलते हैं, बैठते हैं कार में और हमारे सुल्तान भाई भी हैं। तो सुल्तान भाई चले व्लॉग बनाने। तो भाई बैठ चुका हूँ मैं, करते हैं गाड़ी की खिड़की बंद। खिड़की बोलते हैं ना इसको। हमारी गाड़ी चली गई और हम चलते हैं सामने। सो मैं आ चुका हूँ मॉल के अंदर, चलते हैं केएफसी की तरह। और काफ़ी सारे ब्रांड हैं यहाँ पर, अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे आपको। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। तो वो रहा केएफसी, चलते हैं केएफसी में। तो दोस्तों ये है केएफसी और ये है केएफसी का स्टोर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखो। और ये है केएफसी का मेन्यू, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बर्गर लिखे हुए हैं। तो आप देख लो कौन सा आपके यहाँ पर बंद मिलता है इंडिया में, जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप। तो ये देख लो केएफसी की ड्रेस। तो मैंने बात की एक भाई से यहाँ पर, दोस्तों मैंने जो केएफसी की जॉब है उसके बारे में मैंने बात की यहाँ पर। और यहाँ पर जो सुन के थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा कम है बता रहे हैं यहाँ पर केएफसी में। तो सीन ऐसा है, वो यहाँ पर केएफसी है, उसमें एक तो कैशियर डिपार्टमेंट है, टीम मेंबर डिपार्टमेंट है, ASM है और RGM है और स्टोर मैनेजर है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसमें ड्यूटी कितनी है। ड्यूटी जो है केएफसी में वो है 9 घंटे की ड्यूटी है। वीकली इसमें आपका ऑफ रहेगा, एकोमोडेशन कंपनी देती है और खाना जो होता है वो होता है एक टाइम मील मिलता है यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूँ सैलरी की, सैलरी जो है वो टीम मेंबर है उसकी सैलरी है यहाँ पर 1,000 रियाल, 1,000 सऊदी रियाल सैलरी है। शिफ्ट सुपरवाइज़र की तो उसकी जो सैलरी है वो है यहाँ पर 2,000 रियाल। और ASM की मैं बात करूँ तो उसकी सैलरी है यहाँ पर 2,500 सऊदी रियाल। और RGM की मैं बात करूँ तो सैलरी है वो है यहाँ पर 3,500 सऊदी रियाल। और स्टोर मैनेजर की मैं बात करूँ तो उसकी सैलरी है यहाँ पर 4,000 सऊदी रियाल। यहाँ के लोकल लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, जो बाहर से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सऊदी से बाहर से आए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र की। अगर कोई भाई सऊदी में है और वो केएफसी में जॉब करना चाहता है तो ट्रांसफ़र अभी नहीं है, मतलब यहाँ पर जो बंदों को लेते हैं वो लेते हैं बाहर से, मतलब ट्रांसफ़र का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। बाहर से ये लोग हायर करते हैं और यहाँ पर फिर रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सारा उस हिसाब है यहाँ पर। तो अगर कोई भाई ट्रांसफ़र की सोच रहा है तो वो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता,
तो मैं दमाम की साइड हूँ, तो इसका जो ऑफिस है वो है खोबर में, और रियाद में भी है, जद्दा में भी है, सब जगह इसके ऑफिस मिल जाएंगे। ट्रांसफ़र नहीं होगा और सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 1000 रियाल उसने जो मुझे बताया, जो बंदा काम करता है उसने मुझे बताया है 1000 रियाल सैलरी है। तो मुझे लगता है सैलरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, पहले बहुत अच्छी सैलरी थी यहाँ पर, लेकिन अभी सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मतलब 1000 रियाल में क्या कर लोगे, एक टाइम का यहाँ पर मील मिलता है, एक टाइम चलो आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको बनाना तो पड़ेगा। और मिनिमम जो खर्चा है KFC में, अगर ओवर टाइम भी मिलता है, 4 दिन का ओवर टाइम मिलता है, तो वो घंटों के हिसाब से होता है, उसका हिसाब अलग है। लेकिन कभी भी आप आओ, ओवर टाइम पे मत डिपेंड रहना, अपनी सैलरी पे डिपेंड रहना कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। ये सारा सिस्टम है, और ये है कि अगर आप 1000 रियाल सैलरी में आते हैं, चलो आपको 200 रियाल ओवर टाइम भी मिल जाता है, 200 रियाल 250 रियाल, और मिनिमम जो खर्चा है, मिनिमम खर्चा मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सऊदी अरब में रहने का मिनिमम 400 रियाल तो आपको चाहिए, आपका इंटरनेट का, आपका खाने का, रहने का, गैस का, जो भी है, मिनिमम 400 रियाल तो आपको चाहिए होगा। आप ये समझ लो बहुत कम बचा पाओगे आप यहाँ पर रह के, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सैलरी का बहुत सिस्टम ख़राब है। टीम मेंबर में 1000 रियाल है, शिफ्ट सुपरवाइज़र की 2000 रियाल है, तो इस तरीके से सैलरी है। ड्यूटी 9 घंटे रहेगी आपकी, जिसमें आपका 1 घंटे आपका उसका रहेगा, और हफ्ते की छुट्टी रहेगी, लेकिन 1 घंटा नहीं मिल पाता सिर्फ, ये तो कागज़ों में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं आप लोगों के लिए आया था, आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो जो भी भाई अगर किसी से ही बोलता है कि यहाँ भाई यहाँ पर सऊदी अरब में आपको 2000-2500 रियाल टीम मेंबर में मिल जाएगा, तो मुझे लगता है वो शायद झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि मैं, मतलब मैं स्टोर में आकर मैंने पूछा है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बता रहा हूँ, यहाँ पर आया और बंदे से बात की। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए वीडियो में नहीं बना पाया कि ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो टीम मेंबर है उसकी सैलरी है 22,000 रुपये इंडिया के, जो शिफ्ट सुपरवाइज़र है उसकी है 44,000 सैलरी, और जो ASM है उसकी है 55,000 रुपये सैलरी, और जो RGM है उसकी है 77,000 रुपये सैलरी है RGM की। जो स्टोर मैनेजर है उसकी सैलरी है यहाँ पर 90,000 रुपये, और 12,000 रुपये अलग से रूम अलाउंस मिलता है उसको, यानी कि 1,00,000 प्लस सैलरी है स्टोर मैनेजर की KFC में। तो जो भी भाई आना चाहता है KFC की जॉब में, देख ले। या वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि, ऐसा होता है ना कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा बताते हैं और फीस जो है ज़्यादा पे करते हैं, मतलब फीस आपसे ज़्यादा लेते हैं, कि बताते हैं कि आपको 2000-2500 रियाल सैलरी मिल जाएगी KFC में, और आपको 1,00,000 देना होगा, 1,50,000 देना होगा। फिर बंदा यहाँ पे आता है, बोलता है फंस गया, ऐसा बोला था ऐसा निकला। तो इसलिए मैं भाइयों को सतर्क करना चाहता हूँ, जो भी भाई जॉब करना चाहता है तो देख ले भाई। मेरे पीछे KFC है, सामने आपको दिख रहा होगा KFC मेरे पीछे है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आए सोच समझ कर आए, देखभाल के आए। एजेंट लोग भी यही करते हैं कि एजेंट लोग आपसे बोलते हैं कि 1,20,000 1,30,000 लूँगा, इतनी सैलरी मिलेगी, देख लो। फिर यहाँ पे आता है बंदा, 1000 रियाल में उसको करना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो वहाँ पे 1,00,000-1,25,000 एजेंट को दे के आता है। तो भाई आने से पहले सोच समझ कर आए, सो देट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो से मेरी कोई भी हेल्प मिली, सो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। सो मिलते हैं ऐसी जॉब्स के रिगार्डिंग वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।